स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल क्लिप्स एंड फैक्ट्स में। दोस्तों, लखनऊ में एक बहुत ही खूबसूरत मेगा इवेंट का आगाज हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2022 की, जो कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगा हुआ है। आज मैं इसी से जुड़ी हुई सभी जानकारी आप सभी से साझा करूँगा। दोस्तों, यह एक मेगा इवेंट जो मैंने कहा, करीब इसमें 10 देशों के और 12 प्रदेशों के करीब 25,000 प्रोडक्ट प्रदर्शित हैं। तो इस इवेंट से जुड़ी हुई सभी जानकारी मैं आपके समक्ष रखूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिप्स एंड फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज आसानी से मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर हम इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर 2022 की बात करें, जैसा कि मैंने कहा, यह लखनऊ का तीसरा जो ट्रेड फेयर है IIMTF है, वो तीसरी बार लग रहा है लखनऊ में, और इस साल का पहला यह इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर है। लोकेशन की बात करें तो आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान विभूति खंड के पास में यह राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो है उसी से लगा हुआ है। यहीं पर यह ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इसकी डेट की बात करें तो यह 8 अप्रैल से शुरू होकर के 18 अप्रैल तक चलेगा। 8 अप्रैल 2022 से 18 अप्रैल 2022 तक यह चलेगा, और इसकी जो टाइमिंग है वो दोपहर के 1 बजे से रात के 9 बजे तक आप यहां पर जा कर के ये जो 10 देशों के और करीब 12 प्रदेशों के जो यहां पर उत्पाद प्रदर्शित हैं, बहुत ही खूबसूरत लुभावने उत्पाद जो प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर प्रदर्शित हैं, उनको आप यहाँ देख सकते हैं, उनसे रूबरू हो सकते हैं और उनको खरीद सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, टर्की का स्टॉल है, टर्की के लैंप्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, आप सभी जानते हैं। हर बार इनका जो स्टॉल है वो आकर्षण का केंद्र रहता है, और इस बार भी बहुत ही खूबसूरत लैंप्स और लाइट्स जो टर्की के, और भी कई सारे, इस बार तो इनके अलावा जो टर्की लैंप्स है इसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, प्लेट्स हैं, कई सारे और उत्पाद हैं जो यहाँ स्टॉल पे प्रदर्शित हैं। आप देख सकते हैं, बहुत ही लुभावने और बहुत ही खूबसूरत हैं, आप इनको जाकर के देख सकते हैं और इनको खरीद सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टॉल है यह टर्की का। दोस्तों, मैंने कुछ स्टॉल कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि आज पहला दिन है, पहला दिन बिल्कुल फ्री रहता है। और मैं आपको एक खास बात बता दूँ कि इस पे 30 रुपये का पर पर्सन 30 रुपीज जो है ये टिकट है। फर्स्ट डे के दिन यह फ्री रहता है, सेकेंड डे से आपको मतलब 9 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक 30 रुपये प्रति व्यक्ति जो है यहाँ पर टिकट आपको एंट्री फी है कह सकते हैं। और ये देखिए, ये मलेशिया के फाउंटेंस यहाँ पर ये जो स्टॉल है, ये भी बहुत अपने आप में खूबसूरत है। आप देख सकते हैं, हर बार जो भी यह इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर लगता है उसमें ये जो उत्पाद हैं प्रदर्शित हैं, और इस बार बहुत ही खूबसूरत, खास करके जो इंडिया के हिसाब से, भारत के हिसाब से इसको ध्यान में रख कर के यहाँ पर जो है उत्पाद लाए गए हैं। आप इनसे रूबरू हो सकते हैं और इनको खरीद सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, तो यह देखिए घाना का उत्पाद है, साउथ अफ्रीका घाना, यहाँ के जो वुड क्राफ्ट हैं, जो लकड़ी के ऊपर ये देखिए नक्काशी की हुई है, जो डिज़ाइन बनाई हुई है, अपने आप में आपको आकर्षित करती है। बहुत ही खूबसूरत स्टॉल है यहाँ पर, लकड़ी के अलग अलग तरह के डिज़ाइंस, अलग अलग तरह की आकृतियाँ इस स्टॉल पे आपको देखने को मिल जाएंगी। आप इनको देख सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्टॉल है यह घाना का, अपने आप में अद्भुत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, इस तरह के जो ट्रेड फेयर लगते हैं, इससे हम दुनिया के जो उत्पाद हैं, जो मशहूर उत्पाद हैं, उनसे रूबरू होने का, उसको ख़रीदने का यह एक जगह पर ये मुहैया कराया जाता है, और इस तरह से एक दूसरे की कला का आदान प्रदान एक तरह से कह लें तो हो जाता है। और उसी कड़ी में यह जो मेगा ट्रेड फेयर है, इसका भी आयोजन होता है। दोस्तों, ये देखिए दुबई का स्टॉल है, दुबई के जो डिजाइनर ड्रेसेस हैं वो आप यहाँ पर आकर के ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों, बांग्लादेश से जो हर बार हर मेगा ट्रेड फेयर में आते हैं, जो बांग्लादेश की जामदानी साड़ीज़ हैं, आप सभी जानते हैं जामदानी साड़ीज़ के बारे में, मैंने पिछले मेगा ट्रेड फेयर वाले जो मेरा वीडियो है उसमें भी मैंने बताया था कि काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी बढ़िया कढ़ाई की होती है उस पर, वो भी यहाँ पर उसका भी स्टॉल लगा हुआ है। इसके अलावा लेदर आइटम्स बहुत ही खूबसूरत हैं, लेदर पर तो लिखा हुआ है कि अगर आप इसको साबित कर दें कि यह अगर लेदर नहीं है तो 50,000 रुपये आप हमसे ले जाएं। इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर कई सारे देशों के, अभी मैंने कुछ स्टॉल जैसे ईरान के
हैं और आपके अफ़गानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल हैं इस तरह के, और हमारे भारतवर्ष के भी आप देखिए, ये मुरादाबाद का स्टॉल है, इनकी ये भी किसी इंटरनेशनल स्टॉल से कम नहीं, बहुत ही खूबसूरत उत्पाद हैं ये मुरादाबाद के, अलग अलग जो मेटल कहते हैं मेटल क्राफ्ट, इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लैम्प्स हैं ये भी खरीद सकते। इसके अलावा ये देखिए थाईलैंड के कपड़े यहाँ पर, टॉप्स हैं, कुर्ते हैं, ये सब जो है वो भी प्रदर्शित हैं, आप इनको भी खरीद सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो एक इंटरनेशनल इवेंट जैसा माहौल है, और जो स्टॉल इस बार बना हुआ है गर्मी को ध्यान में रख करके, ये जो पंडाल बनाया गया है ये पूरी तरह से एयर कंडीशन है, आप अगर गर्मी में 1 बजे के करीब जाते भी हैं तो वहाँ पर आपको अंदर में कोई गर्मी नहीं लगेगी, बिल्कुल ही एयर कंडीशन बनाया हुआ है, इसको बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, और ये जो उत्पाद हैं इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। ब्रास के आइटम्स हों, ज्वेलरी हों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें आप देखिए बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कई सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, मैंने एक दो स्टॉल्स कवर करने की कोशिश की है जिसमें आप जा करके खास करके महिलाएं यहां पर जा करके इनको देख सकती हैं और ख़रीद सकती हैं। दोस्तों मैंने एक ब्रीफ में छोटे संक्षिप्त रूप में ही मैंने एक IMTF जो 2022 जो है मेगा ट्रेड फेयर 2022 इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में चल रहा है उसको कवर करने की कोशिश की है, उससे जुड़ी हुई जानकारी आपसे साझा करने की कोशिश की है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लिप्स एंड फैक्ट्स।